तो कोई नहीं अरे किसी पर होगा। मेरा नाक में जो घुस गया जैसा लग रहा है, खून निकल रहा नाक से, नाक में जूदा घुस गया जैसा लग रहा है। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं आपका दोस्त आकाश गोरखा स्टोरी राइटर, आज मैं फिर से हाजिर हूँ और एक नए ब्लॉग के साथ। अब ब्लॉग शुरू करते हैं, आप बने रहे मेरे साथ। तो गाइस अभी सुबह का 4 बज रहा है, देखिए गाइस मैं उठा था सुबह 2 बजे, लाइट नहीं था इसलिए फिर ऐसे बैठा रहा। तो अभी फ्रेश होके अभी मैं 4 बजे निकलूँगा, अभी रेडी हो गया, सिर्फ जैकेट पहनना है, जूता पहनना है गाइस। तो आप लोग बने रहे मेरे साथ। तो गाइस मिलते हैं GoPro पर। Gorkha Stray Rider, to watch more subscribe। गाइस 3 बजे से लगा हुआ हूँ माल पैक करने, माल तो खाली पैक किया था, ये कभी क्या भूल जाता है, कभी क्या भूल जाता है मेरा। तो अभी 5 बजने वाला है, 4:49 हो गया, अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, एक घंटे लेट हो गया, 4 बजे निकलना वाला था, 50 मिनट लेट हूँ मैं। तो प्रभु का नाम लेते हुए नेपाल राइड का जर्नी आज मैं शुरू कर रहा हूँ। गाइस आप लोग भी दुआ करना, चलत विमान कोलाहल होए, जय रघुवीर कहत सब कोई, जय श्री राम, जय भोले बा, रक्षा कर इस झोले का। जय हो, चार बज के 50 मिनट पर मैं सेपा से निकला हूँ गाइस, पूरा बरसात है, क्या करें, जाना तो पड़ेगा। मैं उठा था गाइस 2 बजे रात को, करते करते देखिए 3 घंटा हो गया वेस्ट। गाइस सुबह उठा लाइट भी नहीं था, जब 2 बजे उठा था लाइट भी नहीं था। मैं तो एक्चुअली 2 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन 2 बजे से पहले मैं जाग गया क्योंकि लाइट नहीं था गर्म से। ये सेप्पा बाजार है गाइस, सवेरे सवेरे अंधेरे में ऐसा दिखाई देता है, देखिए। अब मैं GoPro को बंद करूंगा गाइस क्योंकि बारिश भी आ रहा है, जब बारिश रुकेगा फिर स्टार्ट करूंगा। नहर सुपर भी आ गया गाइस, नहर सुपर है गुवाहाटी टू सेप्पा। गाइस अभी बाना पहुंच गया, ये बाना ब्रिज है, 5:40 हो गया गाइस, मैं निकला वाला 50 मिनट हो गया सेप्पा से, मैं 4:50 का निकला था। गाइस बाना चेक पोस्ट आ गया, अभी सुबह का 5:46 हो गया। इतना बड़ा बम्स बना के रखता है ना, क्या बोलेगा। अभी न्यू सपंग पहुंचने वाला है गाइस, और इनमें भी गए पानी घुस के पहुँच रहे कर रहे, जैसे सवेरे सवेरे मुर्गी चिल्लाता है ना वैसे कर रहे। पूरा बारिश बारिश गई, इतना दिन हो गया बारिश आ गया, इसका नाम ही नहीं है।
सारा रिस्की जो लेगा कि ऊपर से पत्थर गिरता है यहाँ पर, पूरा खरा चढ़ाई है तो पत्थर गिरने का बहुत काफ़ी। पहले एक बार बस में एक आदमी मर गया था पत्थर से लग करके, यहाँ पर क्या हो गया पत्थर गिर के शीशा तोड़ करके अंदर सीट में नए सुपर में सीट में सोने आदमी को लग गया। तो रिस्की हो गया गाइस, यहाँ पर पत्थर गिर रहा है, इसे पार करेंगे। कोई नहीं है रे, किसी पार होगा। देखिए गाइस यहाँ पर फंसा हुआ है हम लोग सब, ऊपर ही नहीं है। अचानक अचानक इतना जोर से आता है पत्थर, जो कंपनी वाला कहाँ आता होगा ना, थोड़ा साइड कर देने से तो स्पीड में पार हो जाना था क्या। गाइस जैसे तैसे पार हुआ रे ब्लॉक पॉइंट, पत्थर पूरा गिर रहा था, आगे पत्थर गिर रहा, पत्थर ये बारिश में गाइस पहाड़ में बाइक गाड़ी चलाना भी बहुत रिस्की है। गाइस गाइस ब्लॉक पॉइंट में आधा घंटे से ज्यादा रुक गया मैं, अकेला था, देखने वाला नहीं था, बाद में तो भाई लोग आया, भाई लोग ने देख के पार किया, ऊपर कहाँ से पत्थर आ रहा है दिखाई नहीं देता। गाइस मेरा तो ब्लॉक पॉइंट में पार होने का हिम्मत ही नहीं हो रहा था, तो भाई लोग आया करते हैं जीतू भाई सर, दो लोग ने मेरा पत्थर पसंद किया, दोनों ने देख के ऊपर सिग्नल दिया और मैं बाइक पार किया। गाइस ये 0 पॉइंट आ गया जेसीपुर, यहाँ पर चाय पी लेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चाय गरम, चाय गरम। A few moments later, गाइस देखिए झरना, इतना बारिश आ गिरेगा बोल के ना बहुत डर होता है बारिश का समय में पहाड़ों से, एक छोटा सा झरना है। गाइस झरना इतना सुंदर लग रहा है, झरना बरसात में गाइस जितना पहाड़ियों पर मजा आता है ना उतना खतरा भी होता है, ऐसे बात नहीं है। बरसात है बरसात, पानी ही पानी। देखिए गाइस
बरसात में गाइस ऊपर से पत्थर गिरने का ना पहाड़ों पर बहुत खतरा रहता है। आगे मैं जहाँ पर फंस गया था वहाँ पर मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, घबरा गया आगे। देखिए गाइस झरना, टूरिस्ट लोग खींच रहा है फोटो। शीशा पूछने वाला है, मेरा नाक में जो घुस गया जैसा लग रहा, कौन निकल रहा नाक से। ये शीशा है गैस, शीशा पहुंच गया, पूरा बरसात है गैस, वीडियो भी करने नहीं सक रहे। मेरा नाक में गैस जुग घुस गया जैसे लग रहा है मेरे को। आप लोग कोई जानता है तो नाक में घुसा वाला जुग को कैसे निकलता प्लीज कमेंट में बता देना, आइडिया है तो। देखिए गाइस ये शीशा है, ये लोअर शीशा है, अपर शीशा अंदर छोड़ के है। नाक में नहीं जुगा पसे मैंने कसरी निकलते नहीं, नाक में जुगा घुसे जैसे लगी रहे थे। हाँ यहाँ मैंने पूरा कसरी निकलते नहीं, कहीं निकाले था कोई है नहीं? हाँ यार कुछ पौष्टिक जैसे लग ही रहा है हमारा, पौष्टिक जैसे ऐसा कुछ पौष्टिक जैसे नहीं है। जीना वाला जीना करेगा जीना वाला कुन्नी के लिए, कुन्नी के लिए, कुन्नी के लिए। हाँ यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो कुछ पता टीम ने कहा थे कि यहाँ लाउंड लगे पूरा आया था जीवन ठीक था, पानी पनि बा रोकिँदै रोकिँदैन, न प्रब्लम त भएको छैन, डाउट लागेर नि। बाइक अलग है गाइस, बहुत जिद्दी होता है रे, बारिश में भी निकलता है पूरा आर्मी गाड़ी लाइन बाय लाइन। फंस गया रे कंधे का ऊपर, कंधे का पीछे गाड़ी का पीछे खराब रोड में पड़ने से मालूम ही नहीं होता कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं है।
मुस्कान भाई एलिफेंट है, एलिफेंट पहुंच गया अभी। बम्बू है, बम्बू चारों तरफ, बम्बू का अचार, पिंक चिल्ली का अचार। सिलीगुड़ी बस आ रहा है गाइस, बंदिला टू सिलीगुड़ी। बम्बिला सिलीगुड़ी देखिए, ऐसे लेन फ्लैग जगह है। गाइस देखिए वो झरना, इतना सुंदर लग रहा है। ये पॉइंट है गाइस, इसको ब्लॉक पॉइंट। कितना लंबा गाड़ी आ रहा है रे, ये गैस टीसी है। अभी 9:14 हो गया गैस, बारिश में आस्ते आस्ते है। गैस अभी 9:25 हो गया, भालेपुल क्रॉस कर लिया। इतना बारिश है ना, क्या बोलेगा गाइस। चार्जर पहुंच गया अभी, अभी बज रहा है 10। पाँच से 10 पूरा 5 घंटा लगा मेरे को। गाइस बालीपारा पहुंच गया, अभी 10:10 हो रहा है। यहाँ से गाइस के लिए वाला रोड पकड़ना पड़ेगा अभी मेरे को। क्या जबरदस्ती है यार, गैस ढेकर चली आ गया। अभी बज रहा है 11:36। रास्ता इतना खराब है ना गैस, पूरा बम्स बम्स, इतना बम्स है, ज्यादा बम्स, जाम बम्स, ऐसे में लेट हो जाता है। क्या जबरदस्ती है रे,
गाइस सारा चेन लुब्रिकेट करेगा, उसके बाद आगे चलते हैं, पूरा सूख गया चेन। गैस चेन भी लुब्रिकेट कर लिया, अभी चलते हैं सेप्पा से। यहाँ तक 221 किलोमीटर रनिंग हो चुका है। तो चल रे नीलकंठ, हे भोले बा रक्षा करो तेरे झोले का। अभी बारिश सारा रुक गया, सारा अच्छा लग रहा है। रास्ता लेकिन खराब है, पूरा गड्ढा गुड्डी बम। गाइस ये बाई हटा है, अभी ऐसे हमें सीधा जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड जाने से गुवाहाटी। भाई हाथ का तारा लिए गाइस, यहाँ पे आकाश बहुत टाइम लग गया, रास्ता भी अच्छा नहीं है, तीन ही बजने वाला, आज बहुत रात हो जाएगा, बाइक भगाने नहीं सकता है। 40 से ऊपर 60 से ऊपर भगाने नहीं सकता, रास्ता ऐसे है। रास्ता खराब हो चुका, गाड़ी भी कितना हो गया रे संसार में, जाता जाम जाता जाम। सिटी होने से भी एक बात है, तो सिटी भी नहीं है, इतना जाम गाड़ी, क्या खराब रास्ता है। उस तरफ जाने का है, आगे से उस तरफ निकलने का है, और रोड में आगे में है, हम गलती पकड़ लिया ना।
गैस लाइन को गलती पकड़ा था, फ्लाई ओवर बना दिया तो कंफ्यूज हो गया। गैस सुबह 5 बजे से चला है, अभी बज गया 4:30 और 28 हो गया। चल रही हूँ, रास्ता आता नहीं है, प्लस बारिश इतना बम है ना, क्या बोले, बाइक भगा ही नहीं सकते। आज टाइम देखा रहा, रात को 10 बजे पहुंचेगा बोले। सुबह से बारिश बारिश बारिश, अभी थोड़ा यहाँ में रुका हुआ है बारिश, यहाँ तो इतना बारिश नहीं है, शायद नहीं आया होगा यहाँ पर बारिश, क्योंकि रोड पूरा सूखा हुआ है। नहीं तो सुबह 5 बजे निकला, 5 बजे से बारिश 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 बारिश। आज का जर्नी गाइस बहुत तकलीफ वाला जर्नी हो गया बारिश का वजह से। बारिश बारिश हो गया मतलब कुछ इंजॉय करते हुए राइड करने नहीं मिला। गाइस आज तो बहुत ये हो गया रे, सुबह से अभी तक 430 किलोमीटर चला चुका है। और आज का डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए 209 किलोमीटर और चलाना पड़ेगा, बहुत रात हो जाएगा। देखिए गाइस सुबह निकला, रात हो गया, टोल प्लाजा गाइस अभी 6 बज गया, उपाय नहीं है, आज तो बदन में पूरा थक गया। सुबह से गाइस 500 किलोमीटर हो गया रनिंग, सिलीगुड़ी 238 कैसे, और सिलीगुड़ी 238 है गाइस। अभी शाम का 7:10 हो गया गाइस, ये टोल प्लाजा आ गया।
गाइस ऐसा रास्ता है, रास्ता काटना ही मुश्किल हो जाता है, इतना लंबा रास्ता अभी खराब। गाइस ये आसीमारा का जंगल है, अभी मैं आसीमारा में हूँ। यहाँ में थोड़ा रिस्की होता है रात को चलने के लिए, क्या करें चलना पड़ रहा है और ट्रक का पीछे पीछे जाना पड़ेगा। गाइस 10 बजने वाला है, अभी भी मेरा डेस्टिनेशन नहीं पहुँचा है। गाइस अभी हम माधुरी पहुँच गया, ऑलरेडी 10 बज गया, 10 बजे पहुँचा था। अभी हम साला मंडल जा रहा है, आज साला मंडल पर रुकेंगे, कल भी यहीं पर रुकूंगा। गाइस आज दिन भर कितना हुआ, माधुरी हर तक 641 किलोमीटर हो गया। उस किसे पर हो रहे गाइस, देखा लैंडस्लाइड। The next day. Good morning guys. कल अरुणाचल से नेपाल का मेरा फर्स्ट राइड था, तो सुबह मैं 5 बजे सेपा से निकला था, तो माधुरी हाट पहुँचा रात को 10 बजे। पूरा पूरी 17 घंटा का राइड हुआ और रास्ता में पूरा रास्ता बारिश, तो कल पूरा थक गया था, रास्ता भर बारिश बारिश और रास्ता खराब, दुनिया भर हाईवे में बम्प्स बना के रखा है। नीलकंठ को दबा ही नहीं सकता, मतलब भगा ही नहीं सकता है नीलकंठ को, ऐसे है, थोड़ा दूर जाएगा बम्प्स, थोड़ा दूर जाएगा बम्प्स, ऐसे होके बहुत लेट हो गया। तो कल ये ब्लॉग का अंत नहीं कर पाया, तो आज मैं ये ब्लॉग का अंत कर रहा हूँ। प्लीज़ जो मेरा वीडियो पहले से देख रहा है लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो नया से देख रहा है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं और एक नए ब्लॉग पर, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे आपका अपना चैनल गोरखा हिस्ट्री राइडर। टेक केयर, बी सेफ, जय हिंद, जय गोरखा।